गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम। खबर आ रही है सचिन वाजे केस से रिलेटेड। सचिन वाजे के जॉइंट अकाउंट से पैसे निकाले गए, डेबिट किए गए, और किसने किए ये खबर आ गई है। सचिन वाजे के जॉइंट अकाउंट होल्डर ने ही उस पैसे को निकाला था, लेकिन कौन था वो जॉइंट अकाउंट होल्डर, वो मैं आप लोगों को बताऊँगा। मार्च 18 को अकाउंट से पैसे निकाले गए, 13 तारीख को सचिन वाजे अरेस्ट हुए थे। अब जो सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि जॉइंट अकाउंट होल्डर ने पैसे तो निकाल लिए, लेकिन वो जो एक्सटॉर्शन वाली मनी थी, जो मनी बैग्स थे, उसको कहाँ पार्क किया गया है, ये एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। NIA अब खंगाल रही है कि उन पैसों को कहाँ पार्क किया जाता था या कहीं पर ट्रांसफ़र किया जाता था, ये देखना और समझना होगा। ये खबर निकल कर आ रही जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जॉइंट अकाउंट होल्डर कोई और नहीं, मीना जॉर्ज ही हैं, और मीना जॉर्ज अब NIA की कस्टडी में है। तो माना ये जा रहा है जो भी फंड्स सचिन वाजे द्वारा क्रिएट किए जाते थे, एक्सट्रॉट किए जाते थे, उनको हैंडल मीना जॉर्ज करती थी। तो ये खबर कि अब इस पैसे को कहाँ पार्क किया गया है, कहाँ ट्रांसफ़र किया गया है और किस किस अकाउंट में डाला गया है, ये अब NIA खंगालेगी। ये खबर निकल कर आ रही है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। NIA ने कल एक और मर्सिडीज जब्त की है जो कि यूज़ की जा रही थी मीना जॉर्ज द्वारा। तो ये एक जखीरा है गाड़ियों का जो कि सचिन वाजे अपने मिसक्रिएंट कामों के लिए यूज़ किया करते थे, ये हम समझ सकते हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि जैसे मैंने आप लोगों को कल बताया कि एक पासपोर्ट भी मिला है सचिन वाजे के घर से, अब उस पर तफ्तीश चल रही है, कार्रवाई चल रही है कि ये पासपोर्ट किसका है और ये सचिन वाजे के घर पर क्या कर रहा है। हालांकि कल भाई और लॉयर ये बताते हुए दिखे कि सचिन वाजे की तबीयत ठीक नहीं है, ब्लॉकेजेस हैं। तो अब NIA कोर्ट ने रिपोर्ट्स मांग ली हैं, क्योंकि आप लोगों को ध्यान होगा या पता भी होगा कि कस्टडी में लेने से पहले मेडिकल चेकअप होता है, तो उस दौरान कोई भी इस तरह की बातें सामने नहीं आई थी, लेकिन फिलहाल NIA कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट मांगी है और वो भी दी जाएगी, ये खबर आ रही है। तो फिलहाल सचिन वाजे केस में कई अपडेट्स रहेंगी पूरे दिन भर में, क्योंकि वजह है NIA बैंग ऑन टारगेट है और NIA हर उस बात को, हर उस कार्रवाई को, हर उस चीज़ को खंगाल रही है जो कि रिलेटेड है एंथिलिया बॉम्बस्केयर केस और मनसुख हिरेन केस में। तो फिलहाल NIA से ये अपडेट आई, मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। कुछ और अपडेट्स आएंगी, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और इनफैक्ट वी आर वेटिंग कि हमको उस केस से रिलेटेड जो कि जिसकी हम जस्टिस की मांग कर रहे हैं, उस पर भी कुछ पर्दा उठे, क्योंकि सचिन वाजे राजगार हैं और सब कुछ